दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे कहाँ पे हूँ। फाइनली अब हम लोग वापस आ चुके हैं। अब यहाँ से जो है कि बोट यहाँ पे खड़ी होगी, अब हम लोग वापस निकल के जाएंगे। तो चलिए हमारी राइडिंग ख़त्म होती है आगे। अब जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो मैं वापस आ गया हूँ राइडिंग करके, उधर से संगम से वापस आ गया हूँ। अब मुझे जाना है वापस, तो आज मुझे घर भी जाना है, तो आज मेरी बस भी है। तो चलते हैं वापस, और वापस चल के अब देखते हैं उधर थोड़ा एक हनुमान मंदिर भी है, वहाँ पर देखते हैं क्या है। वहाँ से बस मैं थोड़ा ऐसे ही जाऊंगा, फिर वहाँ से फिर वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा बस जो है थोड़ा लेट हो जाएगा नहीं तो। बस यही एक चीज़ दिक्कत है यहाँ पे दोस्तों, देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे, और गाड़ियाँ वगैरह आने जाने लग रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है डस्ट उड़ रहा है। जैसे ही आपके बाजू से अगर कोई जो है व्हीकल पास होती है तो समझ लीजिए तो कि आप डस्ट में नहा लोगे। वहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो बहुत दूर एक ब्रिज दिख रहा है, मैं जूम इन कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना जूम इन होता है। ये ब्रिज आप लोग देख पा रहे हो, ये ब्रिज जो है हाईवे को कनेक्ट करता है, जो कि इस शहर को एंट्री देता है या इस शहर से बाहर निकलना है तो इसी हाईवे को लोग प्रीफर करते हैं, जो कि ये गंगा रिवर को के ऊपर ये हाईवे बनाया हुआ है, ये जो ब्रिज है। Invincible. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में काफ़ी और ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेंगी, और ज़्यादा जो है कि काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहेगा यहाँ पे आने जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फाइनली हाफ मिडवे पे आ गया हूँ, अभी आधे दूर और जाना है मुझे यहाँ संगम से आगे निकलने के लिए, जहाँ से मुझे जो कि ऑटो या फिर व्हीकल्स वगैरह जो भी मिलेंगे मुझे घर जाने के लिए या बस स्टेशन जाने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे जैसे कि अगर आना चाहते हैं तो आपको सिविल लाइन से मुश्किल से 7 to 8 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, आप बड़े आसानी से वहाँ से डायरेक्ट चुंगी के लिए आपको ऑटो या फिर जो भी आपके पास अगर पर्सनल व्हीकल है तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, तो चुंगी के लिए आके फिर वहाँ से आपको 10 रुपीज़ के अराउंड लगेगा, बैटरी वाली ऑटो मिलेगी, वो आपको डायरेक्ट आगे तक लेके आएगी, जहाँ से आपको अगर यहाँ तक आना है तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो आप जो है यहाँ तक अपनी गाड़ी को लेकर आ सकते हैं, जैसा कि पीछे आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रही। तो देखो जैसा कि डब्बे बिक रहे हैं, लोग अपना भर करके सामान पानी भर करके ले जाते हैं गंगा का। जैसा कि देख पा रहे हो मैं हम लोग उधर से आए हुए थे, यहाँ पे वो आदमी दिख रहा है, लेकिन हम लोग जाएंगे इस साइड से ताकि इधर को भी हम लोग एक्सप्लोर कर सके, इस साइड को भी देख सके इधर क्या क्या है। यहाँ पे जो सामने आप लोग देखने लग रहे हो ये है किला, जो कि अकबर का किला है। तब यहाँ पे आए गए हैं तो इसको भी थोड़ा विजिट कर लेते हैं। यहाँ से
एंट्री होने लग रही है, तो यहाँ से हम लोग भी एंट्री करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ था कि बोट के अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो वीडियोग्राफी कहाँ ही अलाउड रहेगी, तो इस वजह से फोर्ट के अंदर की कोई वीडियो नहीं मिली और डायरेक्ट मैं वहाँ से गया, फिर अंदर होकर के वापस आ गया। अभी मैं फोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। ये रहा कुछ बाहर की फोर्ट की सीन जो कि आप लोग देख पा रहे हो, तो अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड ही नहीं थी, इस वजह से मैंने आपको बस बाहर बाहर का ही थोड़ा मोड़ा दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों ये रहा संगम का ब्लॉग, प्रयागराज संगम, आपको इलाहाबाद नहीं बोलना है, आप तो इसका नाम चेंज होके प्रयागराज हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो टेक वीडियो होगी, तो ब्लॉग वाली वीडियो जब भी मौका मिलेगा आपको मिलेगी, लेकिन दबा के इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई हुई थी तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेगी। और दोस्तों टेक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे ऐसे ही टेक वीडियो जैसा आप लोग देखते हो वैसा आपको मिलेगी। और ये रहा ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बस दोस्तों चैनल को जरूर दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बाय बाय।